बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो ये वीडियो है मैं स्टार्ट कर रही हूँ अभी मॉर्निंग से ही। 10 बज गया है अभी और आज है 5th of June और अद्वित का बर्थडे है आज। तो हम लोग आज जा रहे हैं, एक रिजॉर्ट जा रहे हैं और बेंगलुरु के अंदर ही है, कनकपुरा साइड में है। तो हमारे घर से अराउंड 1 घंटे का जर्नी है। तो हम लोग अभी निकले हैं, 11:30 तक हम लोग पहुँच जाएंगे वहाँ पे। तो यहाँ का जो चेक इन टाइम है वो है 1 बजे, हम लोग का 1 नाइट का वहाँ पे स्टे है। तो हम लोग कल रिटर्न आएंगे। तो चलिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो रिजॉर्ट में पहुंचते पहुंचते हम लोग को 11:30 के आसपास हो गया था और आप देख सकते हो यहाँ पे सामने उनका रिसेप्शन है। आप गाड़ी पार करके वहाँ पे जाके अपना चेक इन कर सकते हो। तो हम लोग जिस दिन आए हुए थे उस दिन वीकेंड ही था, तो इसलिए काफ़ी और लोग भी आए हुए थे, काफ़ी रश था वहाँ पे। तो यहाँ पे राइट साइड में आता है इनका एक छोटा सा प्ले एरिया, यहाँ पे बच्चे कभी भी आके खेल सकते हैं और ये मोस्ट ऑफ द टाइम ओपन ही रहता है। तो हम लोग जब पहुँचे तो रूम्स अवेलेबल थे, तो इसलिए हम लोग को भी रूम अलॉट हो गया था और हम लोग अभी जा रहे हैं अपने रूम की तरफ। चलो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो यहाँ पे है रिजॉर्ट का स्विमिंग पूल और काफ़ी बड़े साइज़ में है ये, और उसको क्रॉस करके ये जाता है ये पाथवे जो नीचे साइड में जो कॉटेज वगैरह है वहीं पे है। और आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे थोड़े से टेंट भी बने हुए हैं, तो आप चाहो तो टेंट में भी स्टे कर सकते हो। तो ये रहा हमारा रूम, सिंपल सा, कोजी सा, कॉटेज टाइप का वाइब है यहाँ पे। तो रूम में सामान रख के हम लोग सीधा आए ये गेम जोन एरिया में, क्योंकि अद्वित को आना था और ये देख लिया था ये जगह उसने। तो ये दूसरा प्लेस है यहाँ पे, ये यहाँ पे आप जो भी देख रहे हो ये सब आप पे करके यूज़ कर सकते हो, लाइक आवर बेसिस में। और ये सब में हमारा हो गया था लंच का टाइम। तो हम लोग आ गए उनका डाइनिंग एरिया और आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा सा प्लेस में था ये, और उनका जो मेन्यू था वो भी काफ़ी अच्छा था। हे एवरीवन, तो अभी हम लोग का लंच ख़त्म हुआ और अभी हम आए हैं थोड़ा सा एक्टिविटीज़ देखने के लिए। तो हम लोग करेंगे जिप लाइनिंग, बट अद्वित के लिए ज़्यादा कुछ यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। बट जो एक जोन है किड जोन टाइप का, वहाँ पे आर्केड गेम्स जो भी है उस एरिया के अंदर आप जाके बच्चों के लिए आधे घंटे या फिर 1 घंटे का जो भी एक्टिविटीज़ है आप कर सकते हो। तो अभी हम लोग जा रहे हैं और उसके बाद यहाँ पे एक वेव पूल होता है, लाइक पूल है उनका, दो साइड पूल है, तो उसमें एक में वेव पूल होता है। तो 4 बजे आई थिंक ये स्टार्ट होगा, तो इसलिए फिर उसके बाद हम लोग वहीं पे जाएंगे। तो ये एक पूल है इनका और शायद यहीं पे ही वेव पूल भी होगा। तो हम जा रहे हैं अपने रूम के साइड अभी। हे एवरीवन, तो मैं और अद्वित यहीं पे बैठे हुए हैं और मेरे हस्बैंड गए हैं ज़िपलाइन करने के लिए ऊपर यहाँ पे। तो हम लोग वहीं नीचे ही हैं और उसके बाद मैं ही जाऊँगी। तो चलिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ। सही सही का काम है तो वो नॉर्मल है। मैंने सही का बात सही की है।
हे एवरीवन, तो अभी 5:30 होने वाला है अभी, तो हम लोग अभी जा रहे हैं थोड़ा सा रिसेप्शन के साइड, वहाँ पे हाई टी का ऑप्शन है, तो वहीं पे हम लोग जा रहे हैं। और हम लोग वेट पुल में थे कुछ देर के लिए, और फिर तो अभी मैं आके यहाँ पे थोड़ा सा बैठी हूँ। ऐसे ही इनका जो प्रॉपर्टी है काफ़ी सुंदर है, बहुत ग्रीनरी है चारों तरफ, काफ़ी फ्लावर्स प्लांट्स वो सब हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये जो वाइब है काफ़ी शांत है, और दिन में थोड़ा सा रश थे। तो अगर आप भी ऐसे कुछ प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हो, और अगर आप ये प्रॉपर्टी आना चाहते हो, तो इसमें भी काफ़ी सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। जैसे कि आपको डे पैकेज हो गया, आपको नाइट पैकेज हो गया, ये सब काफ़ी सारे उनके ऑप्शन होते हैं। और जो भी एक्टिविटीज़ होता है आपको एक्स्ट्रा पे करके आपको यूज़ करना होता है, क्योंकि उनका जो हम लोगों ने जो पैकेज लिया हुआ था उसमें खाली मील्स इंक्लूड था उसमें, और बाकी जो भी एक्टिविटीज़ वगैरह है ऑलमोस्ट 200-300-100 अराउंड यही सब रेंज में है। तो आप जो भी करना चाहते हो आप यहीं पे आके कर सकते हो। हे एवरीवन, तो आज है रिजॉर्ट में हम लोग का सेकंड डे, और हम लोग अभी जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो 8 से 10 तक उनका जो टाइमिंग है ब्रेकफास्ट का वो है, तो थोड़ा सा लेट हो गया हम लोग को उठते उठते। तो फिर कल रात को और रात भर बारिश हुआ ऑलमोस्ट। हेलो एवरीवन, तो 11 का बज गया है अभी, और हम अभी रूम जो है हमारा हम लोगों ने चेकआउट कर लिया है, और अभी हम लोग जा रहे हैं रिसेप्शन के साइड पे। तो अभी 11 बजा है, तो हम लोग को अराउंड 12-12:30 बज ही जाएंगे हमारे घर पहुंचने के लिए। तो सोच रहे हैं हम लोग रास्ते में कहीं पे एक स्टॉप लेके वहाँ पे लंच कर लेंगे। हम लोग का ये वन डे का स्टे यहाँ पे, तो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। और यहीं पे एंड करती हूँ मैं आज का ये वीडियो और ये ब्लॉग। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।